साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मेरे पास में कमेंट्स आ रहा है कि सर रोज़ाना कम से कम 5 वीडियो अपडेट करें तो अच्छा रहेगा। तो मैं कोशिश करूँगा 5 वीडियो अपडेट करने के लिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम 31 अक्टूबर को है ट्रेड्समैन के लिए, और मैंने काफ़ी बच्चों का BSF के अंदर सिलेक्शन भी हुआ, BSF की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं पिछले दिनों के अंदर, जैसे अब आपके लगभग सात आठ दिन बचे हैं, लगभग 7 23 तारीख हो गई, 23 24 हो गई आपकी, तो लगभग 5 6 दिन बचे। तो आप इसमें एक दिन, तो आप 31 तारीख वाले तो ही हैं, 30 तारीख तक आप अच्छे से करें और मैं अच्छे से करवा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको एक बार आप अच्छे से रट लीजिए तो यहाँ से हो जाएगा। बोरोबुद, ये जो सवाल है ना आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया, और ये सवाल BSF के अंदर भी आया हुआ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन से, इस ये मंदिर है, बौद्ध मंदिर है, ये इंडोनेशिया के अंदर का है, इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग का अधिकारी किसी का क्या कहा जाता है? समाहता। मैंने आपको जो कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है एक्चुअली, मैथ और रीजनिंग के भी कुछ वीडियो अपडेट किया है, तो वो भी आप देख लीजिए, वहाँ से भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले, क्लियर है ना। चलिए अगला देखिए, ये देखिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 1983 में भौतिक क्षेत्र के अंदर इसे जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया, अच्छे से ध्यान रखना। रॉकी पर्वत, 4 नंबर, यस उत्तरी अमेरिका के अंदर रॉकी पर्वत, सभी को पता है रॉकी पर्वत के बारे में। आपके एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न पूछते हैं ना, जैसे आप सही है, जैसे ये उगते हुए सूर्य की भूमि, अब नॉर्वे या जापान आपके मन में, उगते हुए सूर्य की भूमि, उगते हुए सूर्य का देश, तो ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंदर है, थोड़ा आपको कंफ्यूज कर देता, इसमें जापान होगा क्या, और उगते हुए सूर्य का देश नॉर्वे का, तो इस प्रकार से प्रश्न है ना आपको काफी थोड़ा दिक्कत में डालेगा, लेकिन फैक्ट याद कर लेंगे। वर्धावन गार्डन कहाँ पर, कर्नाटका, वर्धावन कर्नाटका के अंदर स्थित है, यस राज्य पूछे तो कर्नाटका, वर्धावन गार्डन कावेरी नदी पर, मैसूर, मैसूर के अंदर कावेरी नदी के किनारे, किसकी किनारे, कावेरी नदी के किनारे स्थित है, तो अच्छे से आपको ध्यान में रखना। ओणम किस राज्य का त्यौहार है, ओणम केरल राज्य का है, वे सितंबर माह के अंदर इसका आयोजित होता है, यस केरल, सितंबर माह में इसका आयोजन होता है और ये 1 सप्ताह चलता है। सबसे ये तो मैंने सवाल पिछली वीडियो में बताया है, मैंने सवाल क्या पूछा था, मैंने इसका थोड़ा घुमा के सवाल पूछा था, और मैंने एनालिसिस करवाया कि किस नदी के अपवाह तंत्र है उसे क्या कहते हैं, ये मैंने पूछा था, उस समय मैंने आपको बताया था नदी कौन सी है, नील नदी, कौन सी नदी सबसे लंबी नदी, नील नदी, यस विक्टोरिया झील में चलती है, मिस्र, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मरे और डार्लिन ये ऑस्ट्रेलिया की नदी है, दो नदी है ऑस्ट्रेलिया का, मरे और डार्लिन ये ऑस्ट्रेलिया की नदी है। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही होता है, ध्यान रखना। निम्न में से किसकी कमी से रक्तहीनता, दोस्तों रक्तहीनता रोग हो जाता है, रक्तहीनता रोग हो जाता है, आयरन, लोहे की कमी से, देखिए लोहे की कमी से जैसे क्या बोले, रक्त का थक्का नहीं जमा, रक्त जान हो जाना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना अच्छे से, और अच्छे क्वेश्चन है। अगला देखिए, देखिए सवाल क्या क्या, सबसे कठोर, सबसे कठोर प्लेटिनम, हीरा, तो आप सभी को पता है दोस्तों ये तो सवाल अच्छा है, हीरा सबसे कठोर, हीरा। हीरा हीरा क्या, हीरा, ये ट्रॉफी कितनी बार आएगी एग्जाम के अंदर, ये ट्रॉफी है ना कितनी बार एग्जाम के अंदर आएगी कोई बता सकता है ना दोस्तों। मैंने यहाँ पर देख लिया बहुत बार आती है, ये क्रिकेट से संबंधित है, और जो टीम है टेस्ट होती है 5 देशों की श्रृंखला, जानक कोल जनजाति मध्य प्रदेश के अंदर पाई जाती, कोल जनजाति मध्य प्रदेश के अंदर पाई जाती, रीवा जिला रीवा और पन्ना के अंदर पाई जाती, ये आदिम जाति, कैसी आदिम, आदिम जाति से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना। आदिम जनजाति का दर्जा ना हमारे राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, आदिम जनजाति का दर्जा ना राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है,
सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी पूछी है। फीमर, फीमर जांग की है सबसे मजबूत हड्डी। न्यूटन की खोज किसने की? न्यूटन की खोज किसने की? 16 नंबर की। जेम चैडविक ने न्यूटन की खोज की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, किसकी दूरी की? जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस। तारों तथा सूर्य के ऊर्जा का स्रोत कौन सा? तारे और सूर्य जो हमारे ब्रह्मांड के अंदर है, आकाश मंडल ब्रह्मांड है उसके अंदर स्थित है, ये नाभिकीय संलयन। ये भी सवाल एग्जाम के अंदर पूछे, लेकिन नाभिकीय विघटन जो परमाणु ऊर्जा है ना, परमाणु ऊर्जा का स्रोत होता है वो होता है। दोस्तों ये सवाल है ना, किसमें? BSF के अंदर सवाल पूछा। एक्सक्यूमो कहाँ पर खाना बदो शिकारी शिकारी करते हैं, शिकारी काम करते हैं, ग्रीनलैंड से। SSC GT के अंदर भी सवाल पूछा गया था। भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला गुजरात का, गुजरात कौन सी? देखिए क्या है, बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है, हीनयान महायान ये तांत्रिक यान नहीं है, तांत्रिक यान है ये नहीं है, तांत्रिक यान नहीं है। ये सवाल बहुत चर्चा के अंदर और एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्योंकि जो 370 की धारा ने जम्मू कश्मीर वाली वो हटा दी गई है, इसलिए ये चर्चा के अंदर। ये तो मैंने देखिए, ये भी सवाल मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो का ना, मैंने ये बताया था कि राज्यसभा के अंदर कितने एंग्लो इंडियन है, उसके बाद में लोकसभा के अंदर कितने, +14, 12 + 2 = 14, मैंने आपको बताया है, 12 12 + 2 = 14। अब इसमें देखिए लोकसभा की बात हो, मैंने राज्यसभा लोकसभा दोनों बताया, तो अगर आपको प्रश्न का उत्तर याद है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे दोस्तों। इतना आप अच्छे से देखिए, ये पहले सेल्सियस के अंदर पूछा, अभी फॉरनाइट के अंदर सवाल पूछा गया, 25 क्वेश्चंस। -98.4 डिग्री सेल्सियस। विटामिन सी आंवला, सबसे ज्यादा आंवले के अंदर ही पाया जाता है विटामिन सी, नींबू के अंदर भी पाया जाता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा आंवले के अंदर पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। और मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो मैं करूँगा ना वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट तथ्य ही करूँगा, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी हेल्प हो जाए, और सेक्ट जो सिलेक्ट क्वेश्चन है। अब सवाल पूछा है, मच्छर से कौन सा नहीं होता? सवाल क्या है, मच्छर से कौन सी बीमारी नहीं होती है? रेबीज रोग है, ये कुत्ते के काटने से होती है, रेबीज रोग है वो कुत्ते के काटने से होती है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सवाल को पढ़ना है, परीक्षा के अंदर भी यही ध्यान रखना है भैया, प्रश्न को पूरा पढ़ना है। सारनाथ वाराणसी के अंदर दिया था, और प्रश्न को पूरा पढ़ना है, पूरा उत्तर देख के देना है, तब आप सही कर पाओगे, नहीं भैया नहीं कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है, यस। और आज मैंने लगभग 30 सवाल करवाए, मैंने आपको होमवर्क भी दिया है, तो उस होमवर्क को भी आप पूरा करें अच्छे से। और मेरी इच्छा है मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लास दूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।